एक एक लाख रुपए 50-50 हजार रुपए का दान स्वरूप आपने सहयोग किया। मैं मनोज और अंकित की जो कुश्ती है वो एसएसओ साहब की तरफ से एक बार जोरदार स्वागत है। सर सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप इंटरनेशनल अनाउंसर हैं, तो सर उसके अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से स्टार्ट किया और आज कहाँ पर हैं आप। ये मैंने ग्रामीण क्षेत्र से शुरू किया, जब मैं छोटा सा था जब मुझे माइक पर जो साथी बोलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने उनसे प्रेरणा लेकर के माइक पर बोलना शुरू किया और विशेष तौर पर कबड्डी कुश्ती जो ग्रामीण अंचल के खेल हैं उनको कवरेज करता हूं मैं आंखों देखा हाल। यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव भी कई बार चलता है, वहाँ पर मैं ये कार्य करता हूँ। सर आज तक आपने करीबन कितने कुश्तियों के मैचेस जो है वो अनाउंस करे होंगे? मैंने लगभग 500 से ज़्यादा कबड्डी के मैच और लगभग 250 से ज़्यादा कुश्ती के अखाड़ों में लाइव प्रसारण को अपनी वाणी के माध्यम से कवरेज किया है और जन जन तक इस अच्छाई को, इस खेल को पहुंचाने का मैंने कार्य किया। सर बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, और जो आज यहाँ पे दंगल हो रहा है सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इतने बड़े लेवल पे दंगल का आयोजन किया गया है, कैसा लग रहा है आपको अनाउंस करके आपको देख के? देखिए आज का जो युवा है वो नशे से सोशल मीडिया में अश्लील पिक्चरें देखने में अपना समय नष्ट करता है, जिससे उस युवा का भविष्य अंधकार में चला जाता है। और दिल्ली जैसे प्रदेश में इस तरह की परंपरा का आगाज करना, शुरुआत करना, निश्चित ही यहाँ का युवा इन युवाओं से प्रेरणा लेगा और आगे चल करके कुश्ती के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में अपने शरीर को ठीक रखेगा। खेलों के माध्यम से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, भाईचारा हमारा बढ़ता है, नशे से दूर रहते हैं, लंबी उम्र मिलती है, बीमारियों से छुटकारा हमारे को मिलता है। इसीलिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं जो दंगल इन्होंने किया है, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल को भी देता हूं कि आपने एक अच्छा शानदार कदम उठाया और इन बच्चों के लिए एक शानदार परंपरा आपने शुरुआत की। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।